हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए मैक्सिमम अपने दोस्तों तक, इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। सभी विद्यार्थी अपनी सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाए, बाजीराव नर्सिंग अकेडमी से आपकी सफलता का विमान उड़ने के लिए तैयार है। तो आज अपन डील करते हैं 5-ईयर प्लान के बारे में कि 5-ईयर प्लान थे वो कब आए थे, कितनी साल के लिए चला था, कौन कौन से इसमें प्लान कब कब आया, कितने प्लान आ चुके हैं अभी तक, सभी के बारे में वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। 5-ईयर प्लान को पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से भी जाना जाता है। 5 का मतलब होता है 5, ईयर का मतलब वर्षीय, तो 5 वर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना या फिर 5-ईयर प्लान के नाम से इनको जाना जाता है। तो सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल की क्लास में ये 2 करेक्शन कराना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर करेक्शन करना है आपको कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में आया था, वहां पर आपने कल 1951 लिखा था, तो उसको करेक्शन करना है कि 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं नीति आयोग का, नीति आयोग में भी आपको एक करेक्शन करना है। तो नीति आयोग की जहां पर आपने डेट 11 जून लिखी थी उसको करना है 1 जनवरी 2015 आपका सही है, 2015 में आया था, लेकिन 1 जनवरी को आया था, 11 जून को नहीं आया था। तो ये 2 करेक्शन आपको कल की क्लास में करने हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग आए थे 1 जनवरी 2015 को आया था। तो ये दोनों करेक्शन आपको करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है 5-ईयर प्लान के बारे में कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। तो बात करते हैं 5-ईयर प्लान के कि 5-ईयर प लान था कब स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग की, सबसे पहला प्लान कब आया था। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब आया था, तो यहां पर आपको सबसे पहले फर्स्ट 5-ईयर प लान आया था आजादी के बाद में आया था। तो 1951 में, 1951 में फर्स्ट 5-ईयर प्लान कब आया था, कब से कब तक चला था। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कहां पर स्टार्टिंग हुआ था। तो स्टार्टिंग का मतलब है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान का जो फर्स्ट स्टेप थे या फर्स्ट 5-ईयर प लान था उसका पहला कदम, फर्स्ट 5-ईयर प लान कब आया, 1951 में आजादी के बाद में आया था, कब तक चला था। तो 1956 से 1956 तक फर्स्ट 5-ईयर प लान कब आया, 1951 से 1956 में फर्स्ट 5-ईयर प लान आया था। बात करें अगर यहां पर सेकंड 5-ईयर प्लान की बात करें तो सेकंड 5-ईयर प लान कब आया था, तो यहां से आपको यहाँ पर 1956 में सेकंड प्लान चालू हुआ। 1956 से 1961 1961 1956 से 1961 में सेकंड आया था। बात करें अगर थर्ड 5-ईयर प लान की कि थर्ड 5-ईयर प लान कब आया था, तो थर्ड 5-ईयर प लान आया यहाँ पर 1961 से लेकर के 1966 में थर्ड 5-ईयर प्लान आया था 1961 से 1966 में। बात करें 5 के बाद में 4, तो यहां पर 5 जहां पर थर्ड ईयर प्लान आया फोर्थ 5-ईयर प्लान में। अब यहां पर देखिए 1961 से 1966 में थर्ड 5-ईयर प लान आया, जबकि बात करें अगर फोर्थ 5-ईयर प लान की तो यहां पर आपको कंटिन्यू में नहीं चलना है, यहां पर क्या करना है, 3 साल का गैप था या 3 मंथ का क्या था, यहां पर सिर्फ 3 ईयर का गैप था, 3 साल के बाद में आया। तो यहां पर 1969 में आया था, कब तक चला था, 1974 1974 तक। तो थर्ड 5-ईयर प लान के बाद में जब फोर्थ 5-ईयर प लान आया तो उसके बीच में 3 साल का गैप था, 1969 to 1974 में आया था। बात करें अगर फिफ्थ 5-ईयर प्लान की कि फिफ्थ 5-ईयर प्लान कब आया, फिफ्थ फाइव
फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं, तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आया था 1974 से लेकर के 1979 तक। बात करें अगर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की तो 1974 से 1979 तक आया। बात करें अगर सिक्स फाइव ईयर प्लान की तो यहां पर फिर वापस क्या लग गया, वन ईयर का गैप था सिक्स फाइव ईयर प्लान, और सिक्स फाइव ईयर प्लान में भी वन ईयर का क्या था, गैप था। तो ये 1980 में आया था और 1980 से कब तक चला, 1985 तक चला। बात करें अगर सेवंथ के सेवंथ फाइव ईयर प्लान के बारे में कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान कब आया था, तो सेवंथ फाइव ईयर प्लान आया 1985 में आया था। कब तक चला था, 1985 में आया, 1990 तक ये क्या था चला। बाद में बात करते हैं अगर एट फाइव ईयर प्लान के बारे में कि एट फाइव ईयर प्लान था कब आया था, तो एट फाइव ईयर प्लान आया 1900, यहां पर फिर वापस से वन ईयर का क्या आ गया, गैप आ गया। और 1992 से लेकर के क्योंकि यहाँ चलना सॉरी दो साल का गैप आया, 1990 की जगह अब चालू हुआ 1992 में, और 1992 से लेकर के 1997 1997 तक ये चला। बात करें अगर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान की, अब कंटिन्यूटी में आपको चलाना है, नाइन्थ फाइव ईयर प्लान कब आया था, तो नाइन्थ फाइव ईयर प्लान की बात करें अगर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान तो ये आया था 1997 से लेकर के 2002 तक का ये प्लान था। बात करेगा टेंथ फाइव ईयर प्लान की कि टेंथ फाइव ईयर प्लान कब आया, तो टेंथ फाइव ईयर प्लान आया था 2002 से लेकर के 2007 तक देखने को मिला, 2002 से 2007 में टेंथ आया। बात करें अगर इलेवंथ के कि इलेवन फाइव ईयर प्लान कब आया था, तो इलेवन जो फाइव ईयर प्लान था वो आया 2007 से लेकर के 2012 तक में 11 देखने को मिला। और 12th जो लास्ट प्रोग्राम था, 12th फाइव ईयर प्रोग्राम ये कब आया था, तो 12th फाइव ईयर प्रोग्राम आया 2012 में आया, और 2017 तक ये लास्ट चला था। इसके बाद में मोदी सरकार ने इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब आया था, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1951 से लेकर के 1956 फर्स्ट फाइव ईयर प्लान चला। उसके बाद में सेकंड फाइव ईयर प्लान था 1956 से 1961 तक। थर्ड फाइव ईयर प्लान की बात करें 1961 से 1966 तक चला। फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1969 से 1974 तक। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था 1974 से 1979 तक। बात करें अगर सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान की तो 1982 1985। बात करें सेवंथ फाइव ईयर प्लान, सेवंथ फाइव ईयर प्लान था 1985 to 1990। बात करें एट्थ फाइव ईयर प्लान की तो 1997 तक चला। बात करें नाइन्थ फाइव ईयर प्लान, नवा पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक। टेंथ पंचवर्षीय योजना बात करें 2002 से 2007। इलेवंथ था इलेवंथ फाइव ईयर प्लान 2007 से 2012। एंड ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान था 2012 से लेकर के 2017 तक। पांच पांच साल की ये योजनाएं चलाई जाती थी ताकि जो भी रूरल इंप्रूवमेंट है, जो भी आपके अनडेवलप्ड एरिया है, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, कौन कौन सी योजना इनमें चला करके इनका क्या किया जाता था, इनको पूरी तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए उनका किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो सकता है, ये सभी इसमें किया जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइव ईयर प्लान के बारे में आपने पढ़ लिया है कि कौन कौन से इसमें प्रोग्राम चलाए जाते हैं या कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाएं थी, कौन कौन सा कब देखने को मिला। तो ये सभी फाइव ईयर प्लान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। इसलिए आप में कभी भी जो जज्बा कम नहीं होना चाहिए, देश और दुनिया को बताने के लिए आपके अंदर वो खून में उबाल होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो कभी भी आपको हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। देश और दुनिया के लिए आने वाले अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको आज मेहनत करनी है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। बात करते हैं अब, यह आपने
पढ़ लिया है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी कम्युनिटी है लगभग खत्म सी होने वाली है, एक दो टॉपिक बचा हुआ है बस इसका, कोविड बचा हुआ है और म्यूकर बचा हुआ है, ये दो टॉपिक है जो बचे हुए हैं आपके, इनको बहुत ही जल्द आने वाली क्लासों में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके बाद में अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडीआई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अपन पीडीआई पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, उन सभी को लपेटा जाएगा। तो मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा करके हर कोई एक क्लास को बिना स्किप किए आपको देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। जो भी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां से भी क्वेश्चन जनरेट होता है वहीं से क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो बात करेंगे इंटरनेशनल डे के बारे में कि कौन कौन से डे कब कब आते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इंटरनेशनल डे के बारे में, तो एक क्वेश्चन है वो डे से भी पूछा जाता है, मेनली आपके जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की एग्जाम होती है उसमें मेनली क्वेश्चन आता है एक इंटरनेशनल डे से। अब ये नहीं है कि अपन यहाँ पर सोना मौना जानू बाबू की याद में अपन वैलेंटाइन डे के डे गिनेंगे, यहाँ पर वैलेंटाइन डे के डे आप गिनते रहना, आ गई है आपके लिए फरवरी, दो तीन दिन बाद में सब चालू हो जाएंगे तो आप वो गिनते रहना। यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं मेनली जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डे से, उन डे के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करके ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट डेट बताई जाएगी और आपको क्या करना है उनको साथ के साथ में रिवाइज करना है। बात करते हैं यहाँ पर एंटी लेप्रोसी डे के बारे में कि एंटी लेप्रोसी डे होता है कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एंटी लेप्रोसी डे। अब एंटी लेप्रोसी डे कब आता है, तो 31 जनवरी को क्या आता है, 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं। तो बात करें यहाँ पर लेप्रोसी क्या होती है, तो लेप्रोसी एक डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात पूछी जाए हैंसन डिजीज की, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्या होता है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो लेप्रोसी होती है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होगा। तो यहाँ पर बीसीजी होती है वो 20-30% केसेस में इफेक्टिव होती है लेप्रोसी के केस में। आपने पढ़ा हुआ है, जब अपन ने क्या पढ़ाया था, टीबी पढ़ाया था, तब भी इसके बारे में अपन ने जिक्र किया था कि लेप्रोसी क्या होता है। तो लेप्रोसी भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, तो 31 जनवरी को ये मनाया जाता है। 31 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, बात करें अब यहां पर कल अपन ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी के दिन क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। 2023 की अगर थीम की बात करें, 2023 की क्या थीम दी थी, तो क्लोज द केयर गैप को क्या करना है, क्लोज करना है। ये 2023 का द वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम थी 4 फरवरी 2023 की, वो क्या थी, क्लोज द केयर गैप को क्या करना है, क्लोज करना है। बात करें वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक की, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक कब आता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि विश्व ग्लूकोमा वीक तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो सबसे ज्यादा अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका वर्ल्ड कैंसर डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि डे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। बहुत जल्द आने वाला है आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे भी। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर के वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी
वर्ल्ड किडनी डे की बात करते हैं कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है 12 मार्च के दिन। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डाउन डे सिंड्रोम मनाते हैं 21 वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है यहाँ पर, कब मनाते हैं, तो 21 मार्च के दिन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। बात करें अगर टीबी डे के बारे में, तो एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डबल स्टार मार्क लगाकर लिखना है कि वर्ल्ड टीबी ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं 24 मार्च के दिन। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल के दिन। क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस 2 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, आप सबसे ज्यादा अगर आपको 5 स्टार मार्क देना है, तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा करके नोट डाउन कर लीजिए वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल को क्या हुआ था? WHO का एस्टेब्लिश हुआ था, तो 7 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल के दिन। बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क लगा करके ये क्वेश्चन नोट करना है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। WHO एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो WHO एस्टेब्लिश हुआ 7 अप्रैल 1948 के दिन। क्या हुआ था? WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आजादी के एक वर्ष बाद में। 7 अप्रैल 1948 को WHO एस्टेब्लिश हुआ था। आगे अगर बात करें यहाँ पर इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाते हैं यहाँ पर, कब देखने को मिलेगा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में बात करें, 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल के दिन। क्या मनाते हैं यहां पर? स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़े अगर मलेरिया डे के बारे में, तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें अस्थमा डे के बारे में कि 5 मई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं 5 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाते हैं? 5 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड थैलेसेमिया डे कब मनाया जाता है? 8 मई को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड थैलेसेमिया डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं। बात करें यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पर आपके नर्सिंग जगत की जगत जननी थे, उसका जन्म हुआ था, कब हुआ था, क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल नर्सेस डे की बात करें, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 मई को क्या मनाते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 मई के दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। और यहां पर इसका जो फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगल का
जन्म हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है, नर्सेज का जगत जननी। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था ये आपका याद रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहां पर हुआ, उसकी स्टडी कहां पर हुई, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में। तो बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई 1820 को यहाँ पर जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इसके उपलक्ष में इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। इसकी थीम है, वो सभी मैंने थीम है वो सभी लिखा रखी है कि कब कब कौन कौन से थीम आई थी, वो थीम आपने पहले सब पढ़ी हुई थीम है। बात करते हैं हाइपरटेंशन डे के बारे में कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है कब मनाते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, HDN का मतलब होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को, 17 मई को कम क्या मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी इंटरनेशनल डे होते हैं जो कि मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डे की ये लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कौन कौन से बाकी के डे बच गए हैं उनको मनाते हैं। तो वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे मनाया जाता है 28 मई को। बात करें वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून के दिन क्या मनाते हैं ब्लड डोनर डे, जहां पर जगह जगह पर क्या लगाए जाते हैं रक्त शिविर के, क्या लगाते हैं वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, कब मनाते हैं। तो 14 जून के दिन क्या मनाते हैं ब्लड डोनर डे, कब मनाया जाता है 14 जून को। तो ब्लड डोनर डे है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोनर डे, ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डोनर डे मनाते हैं 14 जून के दिन मनाया जाता है। तो ये भी आपको डेट है, इंपॉर्टेंट डेट से ये याद रखनी है कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कब होता है 14 जून के दिन मनाते हैं। तो याद रखना है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो आपको क्या करना है रक्तदान करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाया जा सके। कब मनाते हैं यहाँ पर 14 जून के दिन मनाया जाता है। तो 14 जून को क्या मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से जानते हैं, 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करें, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। तो 28 जुलाई के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं 28 जुलाई, 28 जुलाई को क्या मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। बात करें ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं, तो यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक क्या मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाते हैं, 31 सितंबर, 21 सितंबर को क्या मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 21 सितंबर को मनाते हैं। बात करें यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस या विश्व दिल दिवस कब मनाया जाता है। 29 सितंबर और 29 सितंबर आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि बाजीराव नर्सिंग अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म रखा गया था वह वर्ल्ड हार्ट डे के दिन में, विश्व दिल दिवस के दिन 29 सितंबर को यहाँ पर बाजीराव नर्सिंग अकेडमी की भी स्थापना हुई थी। तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है यहाँ पर 29 सितंबर के दिन वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व दिल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 सितंबर के दिन। फार्मासिस्ट डे कब मनाते हैं, तो बात कर ले अगर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है 25 सितंबर के दिन, क्या मनाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। बात करें अगर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के बारे में, मेंटल हेल्थ डे, मेंटल
हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर के दिन क्या मनाते हैं? मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। अगर आगे बात करें यहाँ पर कि अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है, तो 12 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, या अर्थराइटिस का इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। अगर आगे बढ़े, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कब मनाते हैं? हैंड वॉशिंग डे के बारे में बात करें तो हैंड वॉशिंग का पूरा प्रोसीजर है आपको पढ़ाया हुआ है। तो वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर के दिन क्या मनाते हैं? हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। बात करें ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में, तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर के दिन। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। अगर आगे बात करें पोलियो डे के, तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो बात करें अगर वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में, तो यहां पर मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को मनाते हैं, तो वर्ल्ड स्ट्रोक, अब स्ट्रोक डे, स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट को स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, जहां पर ब्रेन की ब्लड सप्लाई में अवरुद्ध होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, सेरेब्रल आर्टरी में इस्केमिया होने की वजह से, ब्रेन में इस्केमिया, हाइपोक्सिया होने से ब्रेन की डेथ हो जाती है। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 29 अक्टूबर के दिन क्या मनाते हैं? 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे या सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करें चिल्ड्रंस डे के बारे में या डायबिटीज डे के बारे में, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, और ये कब मनाते हैं? तो नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। आगे बढ़े कि इसके साथ साथ में एक और चीज मनाई जाती है 14 नवंबर के दिन, तो क्या मनाते हैं वहां पर? वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब डायबिटीज क्या होती है, कल की क्लास में भी अपन ने पढ़ा, वर्ल्ड डायबिटीज डे, यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन की कमी होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होने लग जाता है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे भी कब मनाते हैं? 14 नवंबर के दिन ही मनाएंगे। तो 14 नवंबर को दो चीज मनाई जाती है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, तो यहाँ भी स्टार मार्क लगाना है। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। बात करें एंटी ओबेसिटी डे के बारे में कि एंटी ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल एड्स डे। अब बात करें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एड्स डे इंटरनेशनल कह सकते हैं या फिर वर्ल्ड एड्स डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के दिन एड्स डे मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए रामबाण साबित होने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपके लिए, कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर अलग से लिखाना चाहूं कि यहाँ पर नर्सेस डे होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्सेस डे के बारे में पूछा जाता है। नर्सेस डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई के दिन यहाँ पर नर्सेस डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाते हैं। फर्स्ट नर्सेस होती है या जगत जननी किसको कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं नर्सेस के जगत जननी। बात करें अगर सेकंड नंबर पे कि हार्ट डे के बारे में पूछा जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29
सितंबर को मनाते हैं, और इसके बाद में अगर क्वेश्चन नोट किया जाए तो यहाँ पर कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे आपने पढ़ा है 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पर एड्स डे के बारे में कि एड्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेंस डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा आपने जितने पढ़े वो पूरे आधे एक साइड और ये 5 एक साइड, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग डे, तो हैंड वॉशिंग डे भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें यहाँ पर अगर एक में मेंटल हेल्थ डे भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो मेंटल हेल्थ डे भी इसमें आता है, तो मेंटल हेल्थ डे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्लासेस में। नर्सेस डे 12 मई को याद रखना है, हार्ट डे याद रखना है 29 सितंबर का, कैंसर डे याद रखना है 4 फरवरी, एड्स डे याद रखना है 1 दिसंबर, इंटरनेशनल नर्सेस डे याद, वुमन डे याद रखना है 8 मार्च को, हैंड वॉशिंग डे याद रखना है 15 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ डे याद रखना है 10 अक्टूबर का। और आगे बात करें तो एक और यहाँ पर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे होता है, ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस डे थे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाले क्लासेज है कि तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई गई है। बहुत ज्यादा आपने आज तक कभी भी कम्युनिटी को यूट्यूब पर इतना कम्युनिटी या ऑनलाइन क्लासों में कभी भी कम्युनिटी को इतना जोर शोर के साथ में पूरी तरीके से इतना डील कभी किसी ने नहीं करवाया होगा। तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होंगे कम्युनिटी या देश दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट से, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर एक तरीके से 1 by 1 करके सभी सब्जेक्ट में से आने वाले जो क्वेश्चन आए हैं और जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, सभी क्वेश्चन को थ्योरी के साथ साथ में क्लियर करवाया जाता है। तो आपका भी मैक्सिमम आपका एफर्ट होना चाहिए, आप अपना प्राइम मोटर रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिए। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको पूरी तरीके से जितना ज्यादा संभव हो सकता है उससे ज्यादा आपके पास में डिलीवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आने वाली एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये क्लासेस हैं वो इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा। तो इसलिए आपको कभी भी हार नहीं माननी है, जिंदगी में निरंतर हो रही है सफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। इसलिए आपकी उम्मीदों को कभी भी निराश मत होने देना, कभी भी उम्मीदों को मरने मत देना, क्योंकि क्या पता आपकी लास्ट ट्राई है वही आपकी सफलता लेकर के आ जाए। तो आपको कभी भी लोगों के साथ नेगेटिविटी में नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिव माइंड को सेट करके पॉजिटिविटी अपने दिल और दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी बिठा करके रखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे आने वाली एग्जाम के लिए उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपने लक्ष्य को कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक वाला जाए, तो आपको अपना बाला फेंकना है, अपने लक्ष्य को टारगेट बना करके अपने लक्ष्य तक अपना निशाना लगाना है। इसलिए कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म विग्रह सच्चाई है, तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूल पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो पहले सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा,
हम भी उस माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राज सरल होगा, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, और कर्म विकर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। इसलिए आपको कर्म करना है, मेहनत के बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत आपके कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई करनी है, आपके अंदर वो जोश जुनून जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो और अपने बेस्ट के पीछे भागो। तो अपने बेस्ट के पीछे भागने के लिए आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जब आप आज मेहनत करके अगर आप कुछ बन जाओगे, सफल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, तो आने वाले बाकी की जो वर्ष बचे हुए हैं, जो भी आपकी लाइफ बची हुई है, आप उसको बेटेंशन होकर के अच्छी तरीके से एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। आने वाले एग्जाम में आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता, और आने वाली एग्जाम में भी विजेता बनकर के उभरोगे। बस आपको बसरते आपको अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाना है, और जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। मंजिल को बुलाकर क्या जिया, तो मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अगर आज आपने सर झुका करके मेहनत कर ली है तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो आज आप डिसाइड कर ले कि आपको अपनी सोना माना जानू बाबू का दीवाना बनकर रहना है या अपने किताबों का दीवाना बनकर रहना है, क्योंकि अगर दिल्ली लगाना है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर जाएगी, क्योंकि सबसे अच्छा जो दोस्त होती है आपकी किताबें होती है, कभी भी किताबें होती है धोखा नहीं देती है। आज आपको लगता है कि मेहनत करना है, पढ़ाई करने में थोड़ा सा आलस आता है, जोर आता है, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, इसी पढ़ाई से आज जी चुराते हो, उसी पढ़ाई को एक दिन अपने लक्ष्य में, अपने दिल और दिमाग में बिठा करके उस दिन जब लक्ष्य को पालोगे उस दिन आप बहुत याद करोगे। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।